हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 7वीं गणित के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम पाठ 5 कोष्ठकों का प्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं चौथा नंबर का प्रश्न को। नंबर डालेंगे, फिर उसके बाद हल लिखेंगे, फिर उसके बाद डेस, फिर उसके बाद जो यहाँ पर व्यंजक दिया है उसको ज्यों का त्यों नीचे में उतार लेंगे। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है। अब ध्यान दीजिए कि कोष्टक के अंदर में एक्स वाले दो जगह पर है, ठीक है, और यहाँ पर जो -3 है और -2 है, ये भी आपस में जोड़ने की जो क्रिया है या घटाने की जो भी क्रिया है ये पॉसिबल है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक के अंदर में जो व्यंजक है उसको सरल करेंगे, उसके बाद इस दो को अंदर में गुना करेंगे, ठीक है। तो इस दो को ऐसा ही रहने देते हैं। अब जो एक्स वाले हैं उसको हम क्या करते हैं, पास पास में लिख लेते हैं, ठीक है, और जो बिना एक्स वाले हैं उसको भी हम पास पास में लिख लेते हैं। देखो 5x के आगे में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कि ये धनात्मक है, ठीक है, तो हम इसको धनात्मक 5x ही रहने देते हैं। अब ये जो -4x है तो इसको इस ऋण चिन्ह के साथ सामने में हम लाएंगे। अब यहाँ पर देखो ये -3 है इसलिए यहाँ पर -3 है, ठीक है, ये -2 है तो यहाँ पर -2 है, तो इस तरीके से इसको आगे पीछे किया जाता है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में 5x में से 4x को घटाओगे तो x बचेगा, 1x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 और 2 जोड़ के कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो ये 5 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस कोष्टक को हटाना है, इस कोष्टक को क्या करना है, हटाना है। कोष्टक हटाओगे तो 2 का क्या होगा, अंदर के जो पद हैं उनके साथ गुना हो जाएगा, 2 का गुना x के साथ हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x, उसके बाद 2 का गुना -5 के साथ होगा तो एक तो यहाँ पर धन आएगा, ठीक है, और 2 पंचे 10 तो यहाँ पर 10 हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आंसर प्राप्त होगा। अब देखते हैं पांचवा नंबर को, ठीक है, नंबर डालते हैं, उसके बाद यहाँ पर हल लिखेंगे, फिर उसके बाद डेस का चिन्ह लगाना, फिर उसके बाद जो व्यंजक यहाँ पर दिया है उसको ज्यों का त्यों उतार लेना है। अब हमें करना क्या होगा, देखो यहाँ पर जो कोष्टक वाले जो भाग है उसको पहले सरल करना होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 30 वाले का जो भी रिलेशन है इसके साथ वो स्थापित हो पाएगा, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 30 है उसको पहले ज्यों का त्यों लिख देंगे, है ना। अब उसके बाद ये जो -15 है, ठीक है, -15 है इसका गुना हम करेंगे 4x और -2y के साथ। अब ध्यान दो यार, यहाँ पर कोष्ठक के अंदर में जो पद हैं उनको हम और सरल नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, -15 का गुना अंदर में करेंगे, ठीक है, -15 का गुना 4x के साथ करेंगे तो क्या आएगा। पहली बात तो ध्यान दो, 4x कैसा है, धनात्मक है ना, और धन और ऋण का जब गुना होता है तो अपन को क्या प्राप्त होता है, ऋण प्राप्त होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, इसलिए हम यहाँ पर ऋण लगा देंगे। अब देखो 15 चौक 60 तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, और ये x है तो ये x हो गया, ठीक है। अब इस ऋण का और इस ऋण का जब गुना होगा, अपन को ये पता है कि जब दो ऋण का आपस में गुना होता है, ऋण और ऋण का गुना होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन ऋण और ऋण गुना होके क्या आ जाएगा, धन, ठीक है। फिर उसके बाद 15 दूनी 30 y, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x वाला अकेला है, y वाला अकेला है, और बिना x या y वाला भी अकेला है, यहाँ पर इसको और सरल नहीं कर सकते, यहीं पर इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब भी हम व्यंजकों को लिखेंगे तो यहाँ पर कोई भी एक वेरिएबल को आपको क्या लेना है, कोई भी एक वेरिएबल को आपको आधार लेना है, ठीक है, और उसके घात के घटते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। जैसे कि ये 60x है, हम इसको क्या करते हैं, शुरू में लिख लेते हैं ऋण 60x,
ठीक है, उसके बाद ये जो वेरिएबल वाला है उसको लिख लेते हैं 30y, और ये जो 30 है जिसमें ना तो x है ना तो y है, उसको हम क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। अब देखो 30 के सामने में इस बराबर को मत लेना, ठीक है, बराबर को छोड़कर यहाँ पर कोई सामने में चिन्ह नहीं, मतलब ये 30 कैसा है, धनात्मक है, इसलिए यहाँ पर धन 30 ऐसा लिखेंगे, और ये आपका सरलतम रूप। वैसे आप यहीं पर इसका आंसर हो गया बोल के लिख देते ना तो भी चल जाता, ठीक है। चलिए देखते हैं छठवां नंबर का प्रश्न को। यहाँ पर छठवां नंबर डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर हल लिखना है, फिर उसके बाद डेस, फिर उसके बाद ये जो आपका व्यंजक है उसको आपको ज्यों का त्यों उतार लेना है, ठीक है। इस तरीके से, इसके बाद अब आगे क्या करना है, यहाँ पर अपन बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और देखो पहले हम इधर के जो पद हैं उनको हम सरल करेंगे, उसके बाद ही 4.5 को उनके साथ जोड़ सकते हैं, इसलिए हम 4.5 को पहले जैसा है वैसा रहने देते हैं, यहाँ पर धन लगाएंगे, और फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए कोष्टक के अंदर में जो दो पद हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये 2.5 को अभी मैं कोष्टक के बाहर रहने दूंगा और इन दोनों को जोड़ूंगा। अब जोड़ेंगे कैसे, आपको जिस तरीके से भी जोड़ने आता है उस तरीके से जोड़ सकते हो, ये आपका इस तरीके से लिख लो, देखो दशमलव बाद पहला अंक, दशमलव के बाद पहला अंक, तो इसको इस तरीके से व्यवस्थित करना है, ठीक है, दशमलव बाद जो पहला अंक है उसी के नीचे दशमलव बाद पहला अंक आना चाहिए। अब इसके बीच में जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको करोगे, 5 और 5 10 हो जाता है, ठीक है। अब हासिल कहाँ चलेगा, यहाँ पर चलेगा, अब इधर के चीज़ों को जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पर क्या है, दशमलव है, तो उस दशमलव को यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। अब 8 3 11, 11 और 1 12, तो यहाँ पर आ गया आपका 12, ठीक है, अपन लिख लेते हैं 12.0 इस तरीके से। अब देखो दशमलव बाद यदि सिर्फ शून्य है तो इस दशमलव का कोई औचित्य नहीं रहता है, ठीक है, तो इसको आप सिर्फ 12 पढ़ोगे, ओके, 4.5 धन, 12 का गुना हमें करना है 2.5 के साथ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2.5 है और इसका गुना करना है अपन को 12 के साथ, ठीक है, तो 12 पंचे 60, हाथ में आया 6 12 दूनी 24, 24 6 30, इतना आ गया 30। अब आपको दशमलव को कहाँ पर लगाना है उसको ध्यान दीजिए, जब हम जोड़ते हैं तो दशमलव जो है कि अपने स्थान पर है उसी के क्रम में यहाँ पर नीचे में आ जाता है, जहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको ये देखना होगा कि दशमलव बाद कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर दशमलव बाद एक संख्या है और यहाँ पर दशमलव बाद कोई संख्या नहीं है, मतलब कि दशमलव बाद एक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, तो पीछे से एक संख्या के बाद आपको दशमलव लगा देना है, तो यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 30.0 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो हम जो है कि इस तरीके से लिखे के बिना भी जोड़ने की प्रक्रिया को कर सकते हैं, लेकिन कैसे करते हैं उसको ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पर दशमलव बाद 5 है, यहाँ पर दशमलव बाद 0 है, एक एक अंक है, ठीक है, दशमलव बाद एक एक अंक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दशमलव लगा लेना है, ठीक है, और दशमलव के पीछे साइड को देखना है, यहाँ पर दशमलव बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव बाद एक अंक है, तो दशमलव बाद जो पहला पहला अंक है उसको आपको जोड़ना है, ठीक है, तो 5 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक, दशमलव के इस पार के जो अंक है उनका जोड़ने की प्रक्रिया हो चुका है, ठीक। अब दशमलव के इस पार के जो अंक है उसको देखते हैं, ये दशमलव बाद पहला अंक है, ये 0 है, और यहाँ पर दशमलव बाद पहला अंक है 4, तो 0 और 4 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब दशमलव के बाद इधर से है ना, ये दूसरा अंक है और यहाँ पर दूसरा अंक तो है नहीं, ठीक है, जब दूसरा अंक नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम उसको 0 मानते हैं, क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, और 0 को 3 से जोड़ोगे तो यहाँ पर आ गया 3, तो अपन को मिला 34.5, ठीक है, तो इस तरीके से लिखे बिना भी हम दशमलव संख्याओं को जोड़ सकते हैं, बस आपको ध्यान ये देना है कि दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसको पहले अंक से, दशमलव बाद जो दूसरा अंक है उसको दूसरे अंक से जोड़ना है, यहाँ पर यह आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं सातवां वाला को, ठीक है, सातवां हल, उसके बाद डेस, और जो व्यंजक यहाँ पर दिया है उसको आपको ज्यों का त्यों उतार लेना है, 12.8 ऋण 3.2 कोष्टक
कोष्टक में 4 ऋण 2.8, ठीक है। यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। अब देखो 12.8 है, उसमें से आप सेकंड वाले को तभी घटाओगे जब सेकंड वाले को आप क्या कर लो, सरल कर लोगे। इसलिए 12.8 को मैं ज्यों का त्यों यहाँ पर रहने देता हूँ। यहाँ पर जो ऋण है उसको भी रहने देते हैं, 3.2 को भी जैसा है वैसा रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक के अंदर में जो दो पद हैं उनको हम आपस में हल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 4 में से हमें 2.8 को घटाना है। कैसे घटाओगे, देखो 4 को ऐसे लिखोगे, ठीक है, उसके नीचे में 2.8 को लिखोगे। अब यहाँ पर दशमलव बाद तो संख्या है और यहाँ पर दशमलव बाद संख्या नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ दशमलव लगाना है और यहाँ पर शून्य लिख देना है, ठीक है। दशमलव लगाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, शून्य को लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लाइन खींचो, यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाओ। अब देखो यार, शून्य में से 8 तो घटेगा नहीं, तो इससे हासिल लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव है तो हम दशमलव लगा देते हैं, ठीक। ये इसको एक हासिल दिया था, तो ये खुद कितना बच गया है, 3 बच गया। 3 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर में आपको मिल रहा है 1.2, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर बराबर लगाओगे, ठीक है, फिर 12.8 3.2 के साथ हमें गुना करना है 1.2 को, ठीक है। कैसे करेंगे, 3.2 लिखो और यहाँ पर 1.2। अब देखो यार, इसको यदि मैं दशमलव को हटा दूँ तो सिंपली इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 12 पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, 12, ठीक है। यदि हम इस दशमलव को ना लगाएं तो ये क्या है, 12 है, तो 12 का पहाड़ा पढ़ो भाई, है ना। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हाथ में आया 2, 12 तिया 36, 36 और 2 कितना हो रहा है, 38 हो रहा है। तो उस 38 को हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर दशमलव बाद 1 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव बाद 1 अंक है, तो टोटल कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए, ठीक है। दशमलव बाद 1 अंक यहाँ पर, दशमलव बाद 1 अंक यहाँ पर, तो दशमलव बाद टोटल कितने हो गए, 2 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे से 2 अंक के बाद, 1 2 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। इनका जो गुना करोगे तो आपको 3.84 मिलेगा, ठीक है। तो ऋण 3.84 आपको इस तरीके से प्राप्त होगा, ठीक। अब हमें करना क्या है, 12.8 में 3.84 को घटाना है, तो जो आंसर यहाँ पर आना है वो आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12.8 ऐसे लिखना है, उसके नीचे में 3.84 इस तरीके से लिखना है। ध्यान देना यहाँ पर, क्या चीज़ को ध्यान दोगे, ध्यान दो, दशमलव के नीचे में दशमलव लिखा हूँ, दशमलव के नीचे में दशमलव लिखा हूँ, दशमलव के बाद जो पहला अंक है उसके नीचे में दशमलव के बाद पहला अंक लिखा हूँ, ठीक है, और इधर इकाई के नीचे में इकाई लिखा हूँ। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना है, ओके। अब देखो 4 के ऊपर में कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य लिख देंगे। क्या लिखेंगे, शून्य। अब शून्य में से 4 तो घटेगा नहीं, तो ये शून्य क्या करेगा, इससे हासिल मांगेगा, ये इसको देगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 6। अब देखो ये 1 इसको दे दिया तो खुद कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में से 8 घटेगा नहीं, ठीक है, तो इससे हासिल मांगेगा, ये अपना 1 इसको देगा, तो ये 7, मतलब यहाँ से जो 1 गया वो कितना है, 10 है, और यहाँ पर ऑलरेडी कितना है, 7 है। 10 और 7 कितना हो गया, 17। 17 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9। 17 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो दशमलव वाले जो लाइन है उसी के नीचे दशमलव वाला लाइन को लिखोगे। अब देखो ये जो 2 है वो अपना 1 इसको दे दिया था, तो यहाँ पर खुद कितना बच गया, 1 बच गया, है ना, और बगल में कितना है, 1 है। 1 और 1 कितना हो गया, 11। 11 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 11 में से 3 घटाओगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा 8.96, उसको यहाँ पर आपको लिखना है, 8.96, और ये आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं 8वां वाला को, 8 हल 20, ठीक है। अब जो व्यंजक आपको यहाँ पर दिया है उसको आपको ज्यों का त्यों उतार देना है, ठीक। 6 ये बी है, ओके। ऋण 3, देखो 6 और बी को थोड़ा अलग अलग लिखना,
कि आपको समझ आए कि हाँ एक ठोक छ है एक ठोक बी है, नहीं तो फिर 66 टाइप का दिखने लग जाएगा। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर बराबर लगाएंगे। अब देखो यार, यहाँ पर जो पद हैं उनको हमको सरल करना है, उसके बाद ही 8a को हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए 8a को शुरुआत में हम जैसा है वैसा रहने देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो कोष्टक के अंदर में, ठीक है, कोष्टक के अंदर में ध्यान दो, ये 5a है, ये 6b है, ये 3 है, ठीक है, ऋण 3, ये आपस में सरल हो ही नहीं सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ये जो धन 3 है उसको कोष्टक के अंदर ले जाएंगे, मतलब कि कोष्टक को हम खोलेंगे, ठीक है। धन 3 का गुना 5a के साथ होगा तो आपको मिलेगा धन 3 5 15 a, ठीक है। उसके बाद धन 3 का गुना धन 6b के साथ करेंगे, धन धन गुना होके धन 3 6 18 b, ठीक है। धन 3 का गुना ऋण 3 के साथ करेंगे तो धन और ऋण का गुना होके ऋण 3 और 3 का गुना होके 9, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन को प्राप्त होगा। आगे देखो, 8a और 15a ये आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 8a और 15a आपस में जुड़ सकते हैं, कितना होंगे जोड़ के, 23a होगा, ठीक है। 8 5 13, हासिला एक, एक और एक दो, ठीक है, ऐसा। और फिर उसके बाद 18b और फिर ऋण 9, इसको हम और सरल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ठीक है। हल लिखेंगे, फिर उसके बाद देश, फिर उसके बाद जो व्यंजक दिया है उसको आपको क्या करना है, जैसा दिया है वैसा यहाँ पर उतार लेना है। ओके, 6/11 धन 7/22 कोष्टक बन, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आपको इसको सरल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाओ, पहला वाला पद को हम इनके साथ तभी जोड़ सकते हैं जब सेकंड वाला पद सरल हो जाए, तो हम 3/4 को जैसा है वैसा रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर धन का चिन्ह लगाएंगे और 11/19 को मैं लिख रहा हूँ। क्यों लिखा भाई, क्योंकि इसके अंदर में जो पद हैं कोष्टक के अंदर में उसको हम अभी सरल कर सकते हैं, इसलिए बाहर के जो पद हैं उसको जैसा वैसा रहने दिया। अब देखो, ये दो परिमेय संख्या है, इनको हमको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हरों का लघुत्तम लेते हैं। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 22 है, ध्यान दीजिए दो संख्याओं को, ठीक है, 11 और 22 को। यदि मैं 11 का पहाड़ा पढ़ता हूँ तो मुझे 22 प्राप्त होता है। ऐसे में जो बड़ी संख्या होता है वो इन दोनों का लघुत्तम होता है। जो बड़ी संख्या होता है वो क्या होता है, इन दोनों का लघुत्तम होता है, मतलब कि 11 और 22 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 22 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 और 22 का लघुत्तम अपन को कितना प्राप्त हुआ, 22, क्यों, क्योंकि छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ने से बड़ी संख्या डायरेक्टली प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखो, 11 में क्या का गुना करोगे तो 22 आएगा, 11 में जब हम 2 का गुना करेंगे तब हमको 22 मिलेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। इसलिए इस 2 को हमें ऊपर में जो संख्या है, ठीक है, ऊपर में जो संख्या है उसके साथ गुना करना पड़ेगा। उसके बाद ये बीच में धन का चिन्ह है, तो धन का चिन्ह यहां पर 22 पहले से है, तो हमें इसके ऊपर में जो संख्या है उसके साथ किसी भी संख्या का गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे 3/4 है, उसको वैसा ही रहने दो अभी फिलहाल। ये 11/19 है, उसको भी रहने देते हैं। कोष्टक के अंदर में जो पद है उनको हम सरल कर लेते हैं, ठीक है। 6 दुनी 12, 6 दुनी 12, 12 7 19, 6 दुनी 12, 12 7 19, बटे में है 22। फिर नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, ये जो 3/4 है इसको ऐसा ही रहने देते हैं अभी फिलहाल। धन 11/19, देखो मैंने ये बोला था कि यदि यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो संख्या है उसका गुना इनके साथ करना है, तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुना का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है,
इस तरीके से। अब ध्यान दो, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 19 है, ये आपस में कट जाएगा। 11 है, यहाँ पर 22 है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। तो काटना चाहो तो काट सकते हो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 19 एकम 19, 19 एकम 19, इस तरीके से। और इसके बाद इसके नीचे में आ जाएगा 3/4 धन, 1 का गुना 1 से करोगे तो 1, और 1 का गुना 2 से करोगे तो यहाँ पर 2, इस तरीके से। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमें इन दोनों पदों को जोड़ना है। दोनों पदों को जोड़ने के लिए इनके हरों का लघुत्तम लेना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 2 है, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी संख्या है वो क्या हो जाता है, लघुत्तम हो जाता है। तो हम ऐसा लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो 3 है उसको लिखेंगे। अब देखो, इसके बटे में पहले से 4 है, तो यहाँ पर अंश में कोई भी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर अपन धन लगाएंगे, और ये जो 1 है उसको लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो 2 है उसके साथ जब आप 2 का गुना करोगे तब 4 प्राप्त होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, अंश में भी 2 का गुना करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो अपन को मिलेगा 3 धन 2/4, और इसको फाइनली जब अपन पूरी तरीके से जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 और बटे में 4, इस तरीके से आपको फाइनल आंसर प्राप्त होगा। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल के साथ बने रहिए और अपने नोट्स बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।